चालाक कौवा और लोमड़ी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक कौवा था। वो बहुत भूखा था। वह खाने की खोज में इधर उधर भटकता रहा। भटकते भटकते उसे एक रोटी मिल गई। वह रोटी लेकर पेड़ पर बैठ गया। वह खाने की सोच ही रहा था कि वहां एक लोमड़ी आ गई। लोमड़ी ने कौवे को देखा तो लोमड़ी ने सोचा, क्यों ना कौवे को मूर्ख बनाकर मैं कौवे से रोटी ले लूं। लोमड़ी कौवे से बोली, समझ गया। उसने रोटी को अपने मुंह से निकाल कर पैर में रख ली और गाना गाने लगा। लोमड़ी की चालाकी काम नहीं आई। लोमड़ी उदास होकर जाने लगा। कौवे ने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी बहन, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें अपनी रोटी में से आधी रोटी देता हूँ। हम मिलकर आधी आधी रोटी खा लेंगे। कौवे ने लोमड़ी को समझाते हुए कहा, लोमड़ी बहन, तुम्हें भूखी लगी थी तो मांग कर भी खा सकती थी। धोखा देकर रोटी लेना अच्छी बात नहीं। लोमड़ी अपनी गलती समझ गई और पछताते हुए वहां से चली गई।